हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टंडन किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मार्केट में सीताफल आने शुरू हो गए हैं, सीताफल का सीज़न शुरू हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सीताफल की खीर बनाना बताऊं। आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है सीताफल की खीर। तो चलिए सीताफल की खीर बनाते हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई रखी हुई है और गैस को ऑन कर दिया है। यहाँ मैंने आधा लीटर दूध लिया है जो मलाई युक्त है दूध, इसको मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। जब भी आप खीर बनाएं तो क्रीम वाला दूध या मलाई युक्त दूध होना चाहिए, जिससे हमारी खीर स्वादिष्ट बनती है। अब मैं इसको चलाती रहूँगी। हमें दूध को जब तक चलाना है जब तक कि हमारा दूध आधा ना हो जाए। हमें दूध को गाढ़ा करना है क्योंकि हम खीर बना रहे हैं, इसलिए दूध गाढ़ा होना ज़रूरी है। और दूध जब भी खीर बनाएं तो आप दूध में क्रीम युक्त बनाएं या फिर मलाई युक्त बनाएं। चलिए जब तक हमारा दूध गाढ़ा होता है हम तब तक सीताफल का पल्प निकाल लेते हैं और बीच बीच में हम दूध को चलाते भी रहेंगे। मैंने दो सीताफल लिए हैं जिसका मैं पल्प निकालूंगी, तो चलिए पल्प निकालते हैं। मैंने यहाँ पर एक बर्तन और ये छन्नी ली है और मैं अब इसमें से इसका गूदा निकालूंगी सीताफल का। ये इसमें बीज रहते हैं तो हमें बीज को निकालना है और गूदे को अलग करना है। ये देखिए, ये बीज सब इसमें आ गए हैं और गूदा सहित। ये देखिए, सीताफल की खीर बहुत स्वादिष्ट लगती है। मैंने सोचा कि आपको सीताफल की खीर बनाना बताऊं, तो आप भी बनाओ और खाओ। अब इसको हम इस प्रकार से इसको निकालेंगे ताकि हमारा जो गूदा है पतला नीचे हो जाएगा और बीज अलग होते चले जाएंगे। सीताफल का पल्प निकल गया है, ये देखिए। सीताफल हमारे अच्छे पके हुए थे तो हमें इतनी तकलीफ नहीं हुई निकालने के लिए। ये देखिए कितना अच्छा निकला है। और जो हमारा इसके अंदर छन्नी में है वह भी हम यूज़ कर लेंगे, इसके बीज निकालने होंगे और इसको भी हम इसी में शामिल कर लेंगे। जब भी आप सीताफल लें तो ज़्यादा पका हुआ लें ताकि हमें बीज निकालने में आसानी हो, नहीं तो हाथ से फिर निकालने होंगे यदि थोड़ा कच्चा हुआ तो। दूध हमारा गाढ़ा हो गया है और पल्प भी हमारा निकल गया है। अब हम गैस को बंद करके और दूध को ठंडा होने देंगे। दूध हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चीनी का बूरा लिया है जो कि इसमें डाल रही हूँ। आप अपने आवश्यकता अनुसार जितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से डालें, क्योंकि सीताफल पहले ही मीठा रहता है। अब इसमें मैं सीताफल का पल्प डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसमें थोड़ी सी मैं हरी इलायची डाल रही हूँ। ये हमारा
सीताफल का पल्प, चीनी और इलायची अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बनी है ये। अब मैं इसे बाउल में सर्व करने के लिए डालूंगी। चलिए सर्व करते हैं। चलिए गार्निश करते हैं। ये सीताफल की खीर खाने के लिए तैयार है। यदि इस खीर को आधा घंटा फ्रिज में रख के आप ठंडा करके खाएंगे तो अधिक स्वादिष्ट लगेगी। आप भी टेस्ट करिए। और मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। इसे बासुंदी भी कहते हैं। यदि आपको सीताफल की खीर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और घंटी बजाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सीताफल की खीर की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पर।